अभी मैं बता रहा हूँ ना, आप अपने आप समझ जाओगे। आपके तीन कमरे हैं सील के, स्ट्रॉन्ग रूम के तीन कमरे देख लेते हैं अपन। रास्ता है ना वो, तो यहाँ से भी है, तो यहाँ से भी स्थानीय शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में बनाए गए ईवीएम स्ट्रांग रूम की सील टूटने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने जमकर हंगामा किया और इसकी सुरक्षा पर सवाल उठाए। हंगामा बढ़ता देख जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और निर्वाचन प्रेक्षक भी मौके पर पहुंचे। जिला प्रशासन ने दोनों दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बाद सील टूटने के आरोपों को नकारते हुए ईवीएम को पूर्णतः सुरक्षित बताया। इसके बाद मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार नगर निगम निर्वाचन के बाद ईवीएम को मतगणना स्थल शाह कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है और स्ट्रांग रूम को सील किया गया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कॉलेज पहुंचकर स्ट्रांग रूम की सील टूटने के आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया की मौजूदगी में एक दो दरवाजों की टूटी हुई सील भी दिखाई, जिसके बाद यहां महापौर उम्मीदवार मयंक जाट पहुंचे और उन्होंने एसडीएम से बात की और ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए। दूसरा जो ताला बिना सील का लगा हुआ है, अगर उस ताले को अगर कोई तोड़ दे तो आसानी से स्ट्रांग रूम तक पहुंच सकता है। इस पर एलिगेशन है, ये गड़बड़ी हुई आपको लगता है? अब ये तो जांच का विषय है। आपने आपने इस गड़बड़ी का कहीं पे शिकायत कर रहे हैं आप? चुकी जी हाँ, अभी ओरल बता दिया और राइटिंग में हम शिकायत अभी दे रहे हैं। स्ट्रांग रूम जितना मशीनें रखी हुई है वो सील किए हुए हैं, पर जो पैसेज है उन पैसेज उस स्ट्रांग रूम तक पहुंचने का जो रास्ते हैं उन रास्तों में एक रास्ता अभी भी खुलने जैसा है, एक ताला लगा हुआ है बिना सील का हमारा, उसको लेकर के कहा और अभी भी वो स्थिति है वहाँ। कांग्रेस नेताओं के आरोप के बाद कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। निर्वाचन प्रेक्षक अशोक भार्गव भी स्ट्रांग रूम पहुंच गए। प्रशासन ने भाजपा के प्रतिनिधियों को भी मौके पर बुलवाया। प्रशासन ने तमाम नेताओं की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि जिन स्थानों पर ईवीएम रखी गई है वहां कोई सील नहीं टूटी है और ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। कॉलेज के पिछली तरफ किसी दरवाजे की सील टूटी हुई बताई गई थी, परंतु इस दरवाजे का ईवीएम की सुरक्षा से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। अभी खुद पीयूष भावना जी, मयंक जाट जी और उसके बाद में कांग्रेस के भी अपने बीजेपी के भी प्रतिनिधि हमारे ऑब्जर्वर साहब भी हैं, उनके साथ में हमने देखा एज इट इज सील लगी हुई है, लेश मात्र भी किसी ने टच भी उसको नहीं किया है और मौके पे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ बिल्कुल सीले सही हैं और सभी चीज़ सुरक्षित है। तो क्या है, मन में कोई भाव आए होंगे भावनात्मक रूप से, तो वो एकदम उसके कारण किसी प्रकार की कोई सील नहीं टूटी, कांग्रेस का भ्रम था और उसको अभी ऑब्जर्वर कलेक्टर साहब और पारसजी सकलेजा खुद और मयंक जाट उम्मीदवार और पीयूष और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम सब ने कलेक्टर साहब ने और अपने निर्वाचक जी ने जो अपने प्रभारी है उन सब ने उनको सबको सील दिखाई है और वहाँ पे इन्होंने बोला है कि यह सब सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई नहीं है। वो रास्ता आने जाने का है तो अभी उसको भी पैक कराने का बोल दिया कि उस पर भी प्लाई लग जाएगी, उस रास्ते से कुछ नहीं होता। रास्ता आने जाने जहाँ स्ट्रांग रूम में जहाँ मशीनें रखी है वहाँ बिल्कुल सील है, जिसके साइन थे वो सब साइन है, ना एक के भी आगे पीछे कुछ। रतलाम से समीर खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।